गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर टेन फॉर क्लास सिक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वीडियो कैमराज इसमें वीडियो कैमरा का यूज़ होता है कनेक्टेड टू और मोर कंप्यूटर्स जो कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं इमेजेस एंड साउंड आर देन सेंट थ्रू द इंटरनेट और इमेज और साउंड जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू सेंड किए जाते हैं वेयर यूज़र नॉट ओनली हियर इच अदर जहाँ पे जो यूज़र है वो ना ही केवल आपस में एक दूसरे को सुन सकते हैं बट कैन ऑल्सो हैव अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन लेकिन उसके साथ साथ फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं दिस टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज फॉर वर्चुअल मीटिंग्स ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेनली वर्चुअल मीटिंग्स के लिए यूज़ की जाती है एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं जिसमें कि डिस्कस होता है पोलिटिकल बिजनेस मेडिकल और सोशल अफेयर्स जिसमें ये लोग डिस्कस कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं वी कैन सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम एक एग्ज़ाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, के थ्रू समझ सकते हैं और न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ चैनल्स पे जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से डिस्कस करते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका ई e कॉमर्स ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो ई ई कॉमर्स है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं दैट इज़ कमर्शियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ ओवर इंटरनेट जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है इंटरनेट पर द इंटरनेट ऑफर अस कन्वीनियंट वे टू शॉप फ्रॉम आवर होम जो इंटरनेट in है वो हमें ऑफर करता है कि हम ईजी वे में शॉप कर सकें अपने घर से और ऑफिस से या ऑफिस से फॉर ऑलमोस्ट एवरी थिंग मतलब हर एक चीज़ हम वो शॉप कर सकें सच एज़ एयर यानी कि शॉप के अलावा भी जैसे कि हम सच एज़ एयर रेल और मूवी टिकट्स यानी कि हम एयरलाइंस के टिकट्स भी हम हमनेट uh, के थ्रू हम बुक कर सकते हैं रेलवेज के टिकट भी बुक कर सकते हैं और मूवी टिकट भी बुक कर सकते हैं क्लोथ्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बुक गिफ्ट और क्लोथ्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बुक्स के और गिफ्ट भी ले सकते हैं थ्रू इंटरनेट वी कैन बाई और सेल न्यू हम हम खरीद और बेच सकते हैं नए और सेकेंड हैंड गुड्स भी हम इसमें नेट पे आप इंटरनेट पे ख़रीद और बेच भी सकते हैं द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग ओवर द इंटरनेट जो ये प्रोसेस है कि इंटरनेट पे आप जो शॉपिंग कर रहे हैं इस प्रोसेस को कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेस कैन बी परचेज दोनों ही प्रोडक्ट और सर्विसेज जो दोनों ही हम uh, 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 जो इसमें लेते हैं बाई ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हम सर्विसेज भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टल्स ऑफ सेलिंग एंड बाइंग बुक्स जो सबसे लार्जेस्ट है सेलिंग एंड बाइंग बुक्स का है ये क्या है डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट है इससे आप बुक्स को ले सकते हो नेक्स्ट टॉपिक है अभी इसमें आगे और है सम यूजफुल वेबसाइट्स ऑफ ई शॉपिंग आर कुछ यूजफुल वेबसाइट हैं ई शॉपिंग की क्या है डब्ल्यू 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 डॉट ई बी ए वाई डॉट इन है और है डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट होम शॉप एटीन डॉट कॉम है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका टॉपिक है ई लर्निंग ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इट रिफर टू द लर्निंग विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ये इसमें क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्न करें दैट इनेबल पीपल टू लर्न एनी टाइम जो कि लो, लोगों को किसी भी समय और एनी वेयर की कहीं भी लर्न करने के लिए हेल्प करता है लर्निंग थ्रू इंटरनेट हेल्प इन इम्पार्टिंग नॉलेज बाई ओवर कमिंग द लिमिटेशन ऑफ टाइम डिस्टेंस एंड रिसोर्सिज़ यानी इंटरनेट के थ्रू लर्न करने से हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम उसमें लिमिटेशन नहीं होती है कोई लिमिटेशन नहीं होती कि टाइम डिस्टेंस और रिसोर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती हम किसी भी समय कहीं भी किसी भी दूरी पर और कितने भी रिसोर्सेज का उसमें बहुत सारी चीज़ें का यूज़ करके हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इंटरनेट एक्ट एज ए ग्लोबल लाइब्रेरी फॉर अस इंटरनेट एक ग्लोबल लाइब्रेरी की तरह हमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं यूज़ करते हैं ई लर्निंग ऑल्सो इंक्लूड लर्निंग फ्रॉम सी डी रोम जो ई e लर्निंग है इसमें सी डी रोम के थ्रू भी हम लोग लर्न कर सकते हैं और वीडियो uh, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम लोग लर्न कर सकते हैं थ्रू सेटेलाइट ट्रांसमिशन द स्टडी मटीरियल कैन कंटेंट वेरियस टाइप ऑफ मीडिया जो स्टडी मटीरियल है उसमें कई सारी मीडिया इन्वॉल्व होती हैं जैसे ऑडियो टेक्स्ट वीडियो एंड एनिमेशन यानी आप ऑडियो से भी टेक्स्ट से वीडियो और एनिमेशन से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं ई लर्निंग इज लेस एक्सपेंसिव जो ई e लर्निंग होता है वो लेस कम एक्सपेंसिव होता है दैन ट्रेडिशनल लर्निंग ट्रडिशनल लर्निंग से ई लर्निंग कम एक्सपेंसिव होता है एंड कैन बी यूज टू इम्पार्ट लर्निंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम और यूज़ किया जाता है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक एक ही समय पर हम उनको ट्रेनिंग हम दे सकें थ्रू इंटरनेट सम ऑफ़ द पॉपुलर वेबसाइट ऑफरिंग ई लर्निंग आर कुछ जो पॉपुलर वेबसाइट हैं ई लर्निंग की वो ये दी हुई हैं ये सारी ये पॉपुलर वेबसाइट्स दी हुई हैं नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका ई बैंकिंग अब ई बैंकिंग में क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ई बैंकिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं इज़ द वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग इंटरनेट यानी कि ई e बैंकिंग e के थ्रू हम लोग बैंक का जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं यूजिंग ई बैंकिंग ई बैंकिंग का यूज़ करके वन कैन कैश सॉरी वन कैन चेक द बैलेंस कोई भी अपना बैलेंस चेक कर सकता है मेक फिक्स डिपॉजिट एफ करा सकता है ट्रांसफ़र द मनी मनी ट्रांसफ़र कर सकता है अप्लाई फॉर लोन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है ई और भी कई सारे आप काम कर सकते हैं थ्रू ई बैंकिंग दिस ट्रांजेक्शन कैन बी डन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो सारे जो ट्रांजेक्शन है वो किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है इन योर कंप्यूटर अगर आपके पास कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र मनी भी कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं टू परफॉर्म ई बैंकिंग जो ई e बैंकिंग अगर आपको परफॉर्म करना है फॉलो द गिन स्टेप क्या आप गिवन स्टेप step करेंगे स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे अगर आपको ई e बैंकिंग करना है तो ओपन अ वेबसाइट ऑफ बैंक इन विच यू हैव एन अकाउंट उस वेब उस बैंक की वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ेगी जिस जिसमें आपका बैंक अकाउंट है इंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दीजिए डू द रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन और उसके बाद में जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है आप वहाँ पर वो चीज कर सकते हैं नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टॉपिक आपका इंटरनेट फ्री कॉल्स यू कैन मेक फ्री वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स टू एनी वन आप फ्री वॉइस कॉल और वीडियो uh, कॉल्स किसी को भी वर्ड में किसी को भी कर सकते हैं यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन द ओनली कंडीशन सिर्फ ओनली कंडीशन क्या है इज़ दैट द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शुड भी जो सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन है वो शुड भी इंस्टॉल इन द डिवाइस एंड बोर्ड दैन वो दोनों दोनों तरफ आ, वो जो सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है वह दोनों तरफ इंस्टॉल होना चाहिए तो आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल कर सकते हैं वर्ल्ड में कहीं भी आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन ऑन योर मोबाइल सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद और कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होने के बाद इंस्टॉल uh, uh, होने के बाद सॉरी यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन इट तो फिर आपको वहाँ उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यू कैन मेक फ्री कॉल्स एट मच लोअर रेट तब आप क्या कर सकते हैं तब आप फ्री कॉल्स कर सकते हैं मच लोअर रेट में टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में कहीं भी आप किसी से भी फ्री कॉल्स पे बात कर सकते हैं सम सॉफ़्टवेयर अलाउ यू टू सेंड फ्री मैसेजेस कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको अलाउ करते हैं जिससे आप फ्री मैसेजेस भेज सकते हैं एंड वीडियोस भेज सकते हैं एलॉन्ग विद फ्री इंटरनेट कॉल्स आप इंटरनेट uh, कॉल्स के साथ आप uh, इसके फ्री uh, मैसेजेस uh, भी आप वीडियोस भी भेज सकते हैं वर्ल्ड में कहीं भी Okay students, thank you.